मेरे के मामले में तो बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। जो देखा है वो सॉन्ग को छोड़ दो तब भी अच्छा है। सेकेंडली मूवी में जैसे एक्टिंग है, एक्टिंग भी अच्छी है, दोनों ने एक्टिंग अच्छी की, एक्टर्स ने, वो सूरज पंचोली उसकी तो एक्चुअली बॉडी भी अच्छी है और एक्शन जो किए उसने भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो सूरज पंचोली लगता है फ्यूचर में सलमान खान का बन सकता है? नहीं, सलमान जैसा कोई नहीं बन सकता, वो अलग बात है, लेकिन उसकी ऐसी सक्सेस ले सकता है वो, ये तो है। जो एक्टर से आतिफ शेट्टी वो कैसी लगी आपको? हाँ, वो भी है अच्छी फिल्म, लेकिन ऐसा अमेच्योर है, वो समझ में आता है क्लियरली मूवी से भी। 5 में से कितना रेट दीजिएगा? 3.5 से। तो सबसे पहली बात तो सलमान खान ने प्रोड्यूस किया इसीलिए लोग उसको देखने आ रहे थे, और उसके अलावा आतिया शेट्टी में वो क्वालिटी नहीं है या एज ए हीरोइन आए हुए वो, हाँ एक्टिंग वाइज, हाँ। और हाँ साल वो सूरज पंचोली वो एक्टिंग अच्छा करता है, अच्छा एक्टर है, मतलब उसमें है टैलेंट नज़र आ रहा है, उसमें काम नज़र आ रहा है, उसको थोड़ा पॉलिश करेंगे तो और अच्छा आएगा। लेकिन सलमान खान की गाने की बात करें तो सलमान खान का नाम है बस, और सलमान खान के नाम पर ही पिक्चर चल रही है। उसके अलावा तुम देख के आओ तो तुमको ऐसा लगेगा कि मैंने भाभी एक सीरियल आता है क्या, मैं भूल गया सीरियल का, भाभी घर पे है, ऐसा लगेगा आतिया घर पे, ऐसा लग रहा है। नहीं, सलमान जैसा तो कोई बन नहीं सकता है, ये बात तो पूरे वर्ल्ड जानता है, लेकिन इतना है कि वो इंडस्ट्री में नाम कमा लेगा, इंडस्ट्री के अंदर रहेगा और वो टॉप 10 में रहेगा। दोबारा अगर फ्री में कोई दिखाएगा तो देख लूंगा, मैं खुद से नहीं देखूंगा। रेटिंग अगर सूरज पंचोली की रीडिंग है, 4 रीडिंग है मेरे तरफ से, और आतिया भी ठीक है, लेकिन सूरज पंचोली के कंपेयर में आतिया की एक्टिंग इतनी खास नहीं है। फिलहाल पिक्चर तो बेहतर लगी, सब कुछ उसमें किरदार अच्छा निभाया गया था, बस खाली हीरोइन का रोल अच्छा नहीं था, और हीरो का तो रोल बहुत जबरदस्त दिखाया गया है। जिस तरह हीरोपंती, जिस तरह से हीरोपंती आई थी टाइगर श्रॉफ की, थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता पिक्चर रही है। उसमें 4 दोस्त है, इसमें 5 है। खैर पिक्चर तो बहुत अच्छी लगी, बट मैं कहना चाहता हूँ कि सलमान खान ने इसे प्रोड्यूस किया है, अच्छा। और ये पिक्चर उसी के नाम से ही चलेगी, अच्छा। वरना ये पिक्चर में कोई दम नहीं है। उसी के लिए सलमान खान की पिक्चर, सलमान खान की वजह से लाइन भी उसी के लिए लगी, उसने जो एक गाना गाया है वही गाने की वजह से पिक्चर चलेगी, वरना पिक्चर में इतना कोई दम नहीं है। और सूरज पंचोली अच्छा एक्टर है, बाकी पिक्चर ठीक है, और मैं 5 में से इनको 3 पॉइंट देना चाहता हूँ, ये मेरे लिए 3 पॉइंट के लायक है, ये ठीक है। अभी पिक्चर देखना है, देखा मैंने इसका अच्छा पिक्चर लगा, गाना वाना सबसे बढ़िया था, और सलमान खान का भी थोड़ा किरदार था वो भी अच्छा लगा मुझे, पिक्चर बेस्ट है। बेस्ट गाना, एक्शन भी अच्छा था, दोनों चीज अच्छा लगा, मतलब अच्छी पिक्चर है। दोबारा फिल्म देखोगे? हाँ देख लेंगे दोबारा। कितने पॉइंट हो गए? 5 में से 5 दे देंगे, और क्या, अच्छा लगा पिक्चर।